नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। यूपी से आ रहे चंपावत जिले के माता पूर्णागिरी धाम में दर्शन करने जा रहे तीर्थयात्रियों का मझोला चेक पोस्ट पर रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें 20 तीर्थयात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी कोरोना पॉजिटिव तीर्थयात्रियों को वापस यूपी भेज दिया गया है। आपको बता दें, इस घटना को देखते हुए अब यूपी व अन्य राज्यों से आ रहे लोगों की जांच और कड़ी कर दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर जहां समाप्ति की ओर है, वहीं सरकार द्वारा तीसरी लहर को लेकर लगातार आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। तीसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा यूपी सीमा पर चेक पोस्ट बनाकर यूपी व अन्य राज्यों से आ रहे लोगों को 72 घंटे पुरानी कोरोना की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। जो लोग आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं, उनका चेक पोस्ट पर ही कोरोना का आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। प्रदेश से जुड़ी इस खबर में इतना ही। देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।